तो गाइस हम लोग निकल जाते हैं हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर पूंजीपथरा की ओर। और हमारे साथ आज ऐसा होगा मेरे को पता नहीं था, जो कि बहुत ही खतरनाक हमारे साथ घटना हुआ, तो आपके साथ भी हो सकता है, तो वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और मेरे पापा का टोपी रास्ते में उड़ गया, क्योंकि रास्ते में बहुत ही बड़ा बड़ा दमकल चल रहा था। तो देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे। तो गाइस हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं और रास्ते में हमको काफ़ी खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही हरा भरा है। तो यहाँ पे बहुत बंदर भी है, तो मैं आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रास्ते में हमको बंदर भी मिलता है देखने को। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच जाते हैं मेरे भांजे घर, और मेरे भांजे घर में इतना ज़्यादा काम रहता है कि मैं वीडियो बनाने के भी समय नहीं मिलता है, और मैं अभी भी गंदा हूँ फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग इसके बाद, हम लोग काम ख़त्म होने के बाद हम लोग चले जाते हैं जंगल की ओर। तो गाइस काम ख़त्म होने के बाद हम लोग आ जाते हैं जंगल पे, और जंगल पे देख सकते हैं कितने सारे जानवर यहाँ पे घास खाते हुए। और मेरे पीछे एक तालाब है, तो तालाब का शूटिंग नहीं ले पाया। तो यहाँ पे हम, ये बहुत ही बड़ा जंगल है गाइस, इस जंगल में हाथी भी निकलता है, और आसपास से पूछने पर हमको पता चलता है कि यहाँ पे जंगली सुअर भी आते हैं, हाथी सुअर और कुछ कुछ भी जानवर आते हैं। तो आगे बंदर भी है, तो बंदर का भी मैं शूट नहीं ले पाया। तो चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। गाइस हमारा गाड़ी पंचर हो चुका है, और मैं अभी भगोड़ा साइड में हूँ, और अभी वहाँ पे हमारा गाड़ी बनने वाला है, और गाड़ी दिख रहे हैं। मेरे अंदाजे से लगभग 3 किलोमीटर से मैं अकेले गाड़ी को धक्के मार मार कर मेरी गाड़ी को ला चुका था गैरेज के पास। तो आगे मेरे को समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या करूँ, अब शायद दुकान नहीं मिलेगा बोल रहा था, लेकिन गांव के पास में एक ढाबा था। तो भैया को फ़ोन करके हम लोग बोले कि भैया हमारा गाड़ी पंचर हो चुका है, तो भैया ने तुरंत आगे हमारे गाड़ी के टायर को खोला और पंचर बनाने को स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं, हम लोग आ चुके हैं बंजारी मंदिर, और गाड़ी बन चुका है, और गाड़ी बनने के बाद हम लोग आ चुके हैं बंजारी मंदिर दर्शन करने। तो अभी देख सकते हैं गणेश जी का भगवान, पूजा हो चुका है, सूर्य का आरती भी हो चुका है। तो हम लोग आज आ रहे हैं दर्शन के लिए, देख सकते हो पीछे का दृश्य। तो चलते हैं अंदर की साइड। गाइस मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर हमको अद्भुत कलाकृति देखने को मिलता है, और हमारी जो बंजारी मैया हैं यहाँ पे साक्षात विराजित हैं, और आसपास हमको हमारे मैया देखने को मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो कितना खूबसूरत कलाकृति है यहाँ पे। तो गाइस मुख्य मंदिर के अंदर हमें बहुत सारे देवियों की मूर्ति देखने को मिलता है, माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और सारे कई अनेक यहाँ पे देवी विराजमान हैं। और यहाँ पे इतने सारे भीड़ होते हैं नवरात्रि में, जो कि देखने लायक होता है। तो यहाँ पे कभी भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, माँ बंजारी मंदिर। तो गाइस यहाँ पे कितना खूबसूरत से कांच से तराशा गया है मंदिर को देख सकते हो। और इस मुख्य मंदिर में परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ पे माथा टेका जाता है बीच में, और हमें आगे आने पर हमें देखने को मिलता है और कई सारे देवी गणेश जी के, और कई सारे हमको मूर्ति देखने को मिलता है।
गाइस मुख्य मंदिर से बाहर निकलने पर हमको राधा कृष्ण मंदिर देखने को मिलता है। इससे और आगे जाने पर हमको श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देखने को मिलता है। फिर इससे थोड़े से आगे जाने के बाद हमको मिलता है श्री राम दरबार। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो गाइस इसके बाद हम लोग मंदिर की परिक्रमा करने लगते हैं और यहाँ पे भी वैसे ही खूबसूरत से हाथों से यहाँ पे देखो कितना सुंदर कलाकृति देखने को मिलता है हमको। तो गाइस कितना दिन लगा होगा इसको बनने के लिए कमेंट जरूर करना गाइस। तो गाइस देखो गाइस कितना खूबसूरत दिखाई से मंदिर। तो गाइस मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं हवन कुंड के पास। तो अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो गाइस ये है वो हवन कुंड, देख सकते हो ये प्रतिदिन ऐसे ही जलता रहता है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो ये बहुत पुराना ताला है गाइस, हमको अंदर जाने तो नहीं बना, फिर भी हम लोग कोशिश किए कि अंदर जा सके शायद, तो कहीं पे भी गेट नहीं था। तो हम लोग आगे और चले जाते हैं मंदिर को अच्छी तरीके से देखने के लिए। तो ये देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे भक्तजनों के लिए नारियल फोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगा जाता है यहाँ पे पूरा होता है। तो देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे नारियल और लाल चुन्नी के साथ यहाँ पे बांधा गया है। तो आप कभी भी आओ तो बंजारी मंदिर यहाँ पे आ जाना और मन्नत मांग लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे है गार्डन घूमने के लिए देख सकते हो यहाँ पे, और आगे तालाब है। और ये गाइस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एक और बात आपको मैं बताऊँगा तो वीडियो में बने रहो। तो यहाँ पे है देख सकते हो महाभारत का जो छवि चित्र है यहाँ पे बनाया गया है कलाकृति से। तो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, इधर से तो नहीं दिख रहा। तो ये है गाइस देख सकते हो, वो हैं श्री राम जी और उनके गुरु। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मछली है और वो सफ़ेद वाला मछली। तो भाई इसमें गौर से देखो तो इंद्रधनुष दिखता है, वो अभी मेरे को दिख रहा है इंद्रधनुष और आपको शायद दिख रहा होगा। तो देख सकते हो वहाँ पे मछली निकल चुके हैं अभी, देखो गाइस खाने के लिए दे रहे हैं अभी। तो गाइस वो सफ़ेद वाला बहुत बड़ा मछली है अभी, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तो ऊपर आ रहा है धीरे से। बहुत सारा मछली है गाइस इसमें और ये मछली को खाया नहीं जाता है। तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि ये भारत का नक्शा है, ये जो तालाब है पूरा भारत का नक्शा है ये। कभी भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो गाइस बंजारी मंदिर के जो आगे वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे गार्डन बन रहा है और अभी घास यहाँ पे लगा रहे हैं, घास अभी कट कर करके। तो यहाँ पे काम चल रहा है देख सकते हो। तो गाइस कभी ये पूरा बनेगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, अभी तो घास लगाया जा रहा है धीरे धीरे। काम चल रहा है अभी बहुत ज़ोर शोर से, तो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है ये गार्डन। तो अभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अभी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले हैं यहाँ पे, और उस साइड भी बैठे हैं और पीछे भी हैं। तो उधर पानी दे रहे हैं देख सकते हो घास को, ताकि घास अभी हरा भरा रहे। गाइस फुहारा बनने वाला है, टंकी में चारों तरफ लगेगा लाइट और इसके बीच में लगेगा बोर। तो यहाँ पे है घास गाइस देख सकते हो, यहाँ पे बाहर से मंगाया गया है घास को और अभी पानी दिया जा रहा है इसमें।
यहाँ पे शिव मंदिर है, देख सकते हो और यहाँ पे शिव मंदिर वहाँ पे देखिए वहाँ पे देख सकते हैं। और आगे है हनुमान मंदिर, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं घर, और दर्शन भी हो चुका है हमारा, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो बाइक का टायर जो हमको नया चेंज करना पड़ा, तो देख सकते हो यहाँ पे, तो अभी हम लोग घर चलते हैं। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लाऊंगा फिर से एक तड़कता भड़कता न्यू ब्लॉग लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट।